मर्जी तब पता चले कि नहीं सही कैले बा मरल नहीं खे मरल तो मरल नहीं खेब झगड़ा हो गया वो ये कम से कम आधा एक घंटा के बाद आया यहाँ लाइब्रेरी से। वो आया तो दोनों चौकी इंचार्ज से बात किया, चौकी इंचार्ज से बात किया तो कह के चलो ठीक है तो हॉस्पिटल भेजा जाए। सोन नंबर को फ़ोन किया गया, सोन नंबर नहीं आई, थर्ड नंबर मिल गया। एम्बुलेंस फ़ोन किया तो एम्बुलेंस एक घंटा की बात आई यहाँ। उसके बाद चले गए हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में फ़ोन किया गया तो 12 नंबर आई थी वहाँ पर। 12 नंबर आए तो केवल अभी नाम दर्ज करके घर चली गई। डॉक्टर से रिपोर्ट पर कुछ नहीं बना है, मैं तो ट्रांसफर कर दिया गया सदर हॉस्पिटल के लिए। सदर हॉस्पिटल में गए तो सदर हॉस्पिटल वाले कहा कि भाई मैं रिपोर्ट लिया हूँ तो बता नहीं था। फिर मैं वहाँ का पिताजी ने रिजर्व गाड़ी पकड़ के उनके सामने थाना पर लिया गया। थाना वाला बोला कि आप सुबह में आइए, आपको इसमें कोई अफसर नहीं लिया जाएगा। इसमें फिर मैं हॉस्पिटल में जोगा फिर नहीं ले रहा था, ज़बरदस्ती मैंने भर्ती डॉक्टर लिया। फिर सुबह में पुलिस के गए थे तो पुलिस भी हमको लग रहा है कि 2 घंटे रेडी की बैठाई में हो जा कौन 12 बजे चले हो जाए। मऊ में जाने के बाद अच्छा रोडवा पकड़ लिया, रोडवा पकड़ के बाबा साहब के यहाँ जा रहा है। आजम गए तो आजम का रास्ता हो जैसे आके तनिका आगे वहाँ खराब कर दिया कि नहीं खराब नहीं होता है। फिर इमरजेंसी में हम लोग वहाँ से मुँह में भर्ती थे, मुँह में ऑपरेशन हुआ। फिर भी इसमें सेटिंग था, थोड़ा मोड़ा दर्द कर रहा है, इसी बात में दर्द नहीं हो, दर्द बहुत ज़्यादा काफ़ी हो रहा है। बस तो बोलने के लिए ऑक्सीजन कर लेता है। बस वही सरकार से निवेदन आप लोगों की वहाँ तक जनता तक पहुँचाया जाए, इसको तो सरकार को सूचित किया जाए। कैसे किस दिन की बातें हैं जब आपको मारे थे, मारपीट हुआ तो किस दिन की बात है? 24 तारीख को कई बजे? 9 बजे दिन या रात? रात को आप 9 बजे क्या कर रहे थे? 8 बजे तक खाना खा कर जा रहे थे लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी रात में पढ़ना ठीक है या दिन में? अरे ठीक नहीं, सुबह खाली जगह रात के लिए हम लोग पढ़ने के लिए। तो आप लोग रात में जा रहे सुरक्षित रहते थे पहले? सुरक्षित थे, लाइब्रेरी में एक बार गए थे, लाइब्रेरी वाला तो लाइन एक बार बंद कर दिया। केवल खाना कहाँ से मंगवाई थी? लाइब्रेरी जो मालिक है, मालिक है चंदन यादव से। अच्छा, उसके पास कहाँ से मंगवाई थी कि लाइब्रेरी बंद कीजिए, आपको 5 से 10 महीने के देते हैं खाली। बंद कहाँ कर रहा था लाइब्रेरी? उसको चलाना है, फीस आप लोग देते हैं। कह रहा है कि लाइट बंद गिर गई है, लाइट तो हमें चार्ज था, हम लोग पता किए थे चार्ज तो बंद कर देगा। सुनिए ग्राहक घर हम कहीं पर बात करेंगे, 12 बजे रात को जाएंगे, कोई भी रात को कोई घटना कर देगा तो हम क्या करेंगे? हम कहा जमा करेंगे उसको कि चलो ठीक है हम चालू कर दें, 2 दिन के बाद बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। हम कहें 2 दिन के बाद बताइए और कुछ अलग बात है, पहले मीटर चालू कर देंगे। मैंने पहले से जब ये बातें हुई तो आपको ये नहीं पता चला, आपको महसूस नहीं हो कि ये लाइब्रेरी वाले मालिक का कहने का मतलब क्या है? वह पैसा लेता है लाइब्रेरी, उसको चलाना है तो फिर ऐसे कहाँ कहेंगे? अब वही हिसाब बताएगा कि उनको कहा जाएगा एक हम तो कहते हैं कि लाइब्रेरी चालू करो, पैसा देते हैं काम के लिए पढ़ने के लिए ना आप लोगों को, आप पैसा इन्वेटर खरीदने हैं खरीदने बारने के लिए ना, हम बुक करने के लिए ना, तो 24 रुपया दिए हैं उसको गिने हैं आप तो बढ़ेंगे ना 4 घंटे के। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि आपको वो लोग मारे कहें, कहें मार दे? ऐसा लोग कह रहे हैं सूत्रों के माध्यम से, मैं भी पता चला लगाते हुए चला हूँ यहाँ तक, लोग कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो स्वयं उस लड़के को मारने लगेंगे, इसमें क्या आपका बताइए? हम लोग को लाइब्रेरी वाला से झगड़ा हुआ था, मानते हैं चलती जमाने अलग बात है,
उसी से जगह रहा हुआ है तो वही ना बताएगा, हमारे साबिर का गलती वही ना बताएगा हम लोगों से कि हम गलती किए क्यों, क्या मारा हमका गलती क्यों मारे, वही ना बताएंगे। लाइब्रेरी वाले का चंदन नाम है, चंदन नाम। मारने वाले कौन है आपको? आजाद है और सुनी है और एक आशीष है। आशीष राम है या कौन? आशीष यादव है, वही उनको दूबरा घर ही के हैं सब। चंदन जी के चंदन वाले के अब कहाँ। और लाइब्रेरी से आप यहाँ से खाना खा कर गए लाइब्रेरी? लाइब्रेरी में पढ़े हो रहे हैं कि हम यहाँ जाते हैं 6 बजे, मैंने उस दिन की बात है, उस दिन आप सीधे चले गए वहाँ लाइब्रेरी, तो वहाँ से आ रहे थे? नहीं, यहाँ से घर से आकर खाना खा कर जा रहे थे। अच्छा, दोबारा जा रहे थे? दोबारा, दो बार पढ़ते हैं उसमें, खाना खाने के लिए जाते हैं। टाइम है 6 बजे का हम लोग का लाइब्रेरी का। अच्छा, वहाँ जाते हैं तो 2 घंटा पढ़ लेते हैं, 2 घंटा फिर 8 बजे खाना खाने आ जाते हैं हम लोग। हम खा कर टिकट में वो जाते हैं, 1 घंटा आराम करते हैं वहाँ से। वहाँ जाने के बाद कम से कम 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पहुँचते हैं, 2 बजे के बाद फिर सो जाते हैं, 2 बजे तक 4 बजे लग जाते हैं इधर। वहाँ 1 घंटा 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर 5 बजे के लगभग चल जाते हैं दौड़ने के लिए हम लोग। निरंतर आप लोग वहीं 5-7 घंटा बिताते हैं? 6 बजे सुबह ये लोग आते हैं, 6 बजे शाम को जाते हैं, 6 बजे आते हैं, 12 घंटा हो गया ना, उतना समय में जाते हैं, शाम को जाते हैं तो सुबह आते हैं। सभी लड़के जितने वहाँ के रहते हैं 6 बजे रात को हम उसको काश नहीं हुआ, समाज के अर्थ बनाया उसी को, उसी काश नहीं हुई कम से कम हम लोग बहन पैसा देंगे, तेरा पैसा दीजिए हम लोग जाएंगे घर। हम लोग कह रहे हैं, कई लोग थे का हम लोग, हाँ सब लोग लाइब्रेरी के जितने बच्चे थे, कौन कौन है उसमें? हम हैं, निर्भय नाम का लड़का सुनील है, रोशन है, अजय नाम का लड़का है, एक बाकी अन्य प्रतिकूल लोग हैं उसमें। तो सभी लोग आप लोग कहे कि हम लोग को पैसा दीजिए हम लोग जाएंगे। तो सब पे तो वहाँ भी नहीं हुआ, आप ही पे भी ऐसा हुआ है? तो हम ही लोग बोले, वो भी तो बोले थे सर, पहले हम ही लोग बोले पहले भैया हमको पैसा दीजिए। तो कहे कि कब से लाइब्रेरी चल रहा है? लाइब्रेरी चलने में हम 10 दिन लगभग जा रहे हैं, उसे बताने से कि कब तक चला है, मैंने 10 दिन कम जा रहे थे। सूत्रों के माध्यम कुछ लोग कहे हैं कि उसमें लड़कियां भी पढ़ती हैं। अब लड़कियां पढ़ती हैं, उसके बाद दिन में पढ़ी थी, दिन पढ़ती कोई भी तो फालतू थे ना, कि लड़की भेज रहे हैं यानी कहीं ना कहीं लड़कियों से आप लोगों का भेंट हो जाता है कि नहीं? नहीं, कोई भी मिलता नहीं लड़की से। वहाँ पर फिर इसके लिए कहाँ आप लोग कितने दिन हॉस्पिटल में रहे? जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन शासन प्रशासन किसी को अवगत आप लोग कराए होंगे? जी, प्रशासन को अवगत कराए थे। आए थे यहाँ तो नहीं आए थे, हमें तो अब खुद खाने को गया था जी। FIR वगैरह आप लोगों का मान्य हो गया है? FIR तो मान्य हुआ है। मेडिकल अभी जनता नहीं हुआ है, एक्सरे के बाद होगा। मेडिकल तो आप गए होंगे तब होगा? मेडिकल तो मतलब स्वास्थ्य केंद्र है रतनपुरा का, उसने अपने हिसाब से जो भी बनाया है बना दिया है, वो बना करके उसका ताजे तौर पे गए थे ना, जैसे थे आप उसी स्थिति में हुआ है ना, उसी स्थिति में गए थे। तो वहाँ से मेडिकल रिपोर्ट देख सकते हैं जी, जी। आप जान सकते हैं ना, मेडिकल रिपोर्ट देख सकते हैं, आपकी जानकारी होगी, आप भी चित्र के माध्यम से जान सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी जानते होंगे कि यहाँ का स्थिति क्या होगा। सतनपुरा ब्लॉक में कोई भी थाना प्रशासन मेडिकल लाइन कोई हो आप अच्छी तरह जानते होंगे। कई दिन 24 को बता रहे हैं, 25 को 24 को 24 से और आज इतना दिन हो गया, फिर जो आपको मारे हैं या जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा अभी तक नहीं गया, इस पे आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं पकड़ा गया ना, उनकी कोई गिरफ्तारी हुई ऐसी स्थिति में मतलब ऐसा लगता है कि मतलब जितनी ज्यादा मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो पर जितने भी दर्शक देखेंगे सब लोग समझ जाएंगे। देखिए ये चाचा आए हैं, ये भीड़ नहीं देखे हैं, भीड़ को देखकर नहीं आए हैं, ये हकीकत को देख करके आए हैं कि ऐसा आप लोग ने बताए हैं, कई घटनाओं को दर्शाए हैं, ऐसा होता रहा तो लोग कहाँ पढ़ने जाएंगे, कहाँ सुरक्षित रहेंगे। और शासन प्रशासन को मैं अब क्या कहूँ, मुझे कुछ कहना नहीं। देखिए चाचा ऐसे गुस्साए हैं, लग रहा है कि अभी पा जाएंगे तो चाचा गुस्सैला का कारण क्या, कहाँ है इतना खुशी आई बड़ा सर? ऐसे भी गुस्सा रहे हैं हम कि बच्चों का, हमारे बच्चों का बहुत अपमान हो रहा है। तो आप लोग एकदम सीधा यादव जो लिख को बता जाना, यादव लोग के यादव हैं लोग, वही कर ही रहा है, वही कर रहा है, वही यादव है, फिर तेरे का साथ दूसरा कोई नहीं और जान वाले, इस पर सुनवाई नहीं हो रही है, यादव ही लोग खाली बना जाना सुन। हाँ, इसमें सिर्फ यादव लोग हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई इसका सुनवाई नहीं हो रही सर, सुनवाई नहीं होगी तो कल आने वाले दिन में हम लोगों को एकदम नीचे गिरना नहीं देंगे।
जब पुलिस नहीं सुन रहा है, दरोगा नहीं सुन रहा है, एसपी नहीं सुन रहा है, कोई छानबीन नहीं कर रहा कि इसको छानबीन करें क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। और हम लोग गिर से जा रहे हैं। दरोगा जो है पहले की मैं घटना बता दूं, लाइब्रेरी अतुल्य डिजिटल लाइब्रेरी में पढ़ने वाला लड़का से हुआ था मारपीट, और उस मारपीट का अब खुलासा आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देख करके ही समझ जाएंगे मामला क्या रहा है, क्यों ऐसा हुआ, कब हुआ। ऐसा होता रहा तो फिर बच्चे पढ़ना लिखना यूं लाइब्रेरी ऐसे ऐसे लाइब्रेरी के लोग छोड़ देंगे। तो आए हैं पीड़िता के घर और इनसे ही बात हो जाएगी, ये हकीकत क्या है, इसका खुलासा क्या है, ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ। क्या नाम होगा चाचा? करीमन नाम है। करीमन चाचा, ये घटना कैसे भाई, ये घटना पर आप लोग का आप लोग बुजुर्ग बाढ़ जा, ये घटना पर आप लोग का फोकस का बा, आप लोग का विचार का बा, आप लोगों का राय क्या बा कि यही घटना होत रही। घटना होते न बा, घटना तीन चार पाँच गो हो गई बा। ये जा हाँ मुसलमान। अच्छा चाचा एगो सवाल बा, लोग कहता कि ऐसे कैसे जिनका नाम बता रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं बार बार कि यादवों की दबंगई आज भी चल रही है, तो आप लोग दबंगई कह रहे हैं लेकिन यादव लोग इतना सिंह बढ़वा तो नहीं खा जा, वो लोग कह रहे हैं कि हमने के इतना बांजा कि ऐसे मार चलते हैं जा। अच्छा तो सिंह बचले यादव लोग के पास ना जरूर रही बाबा उसे कर रही। हाँ हाँ लसना में एक मार दिया लो, फिर पिलहरी में मार दिया लो, फिर सिधवन में मार दिया लो, कोई फिर के पास साथ में चार चार पाँच गो हो गया। कोई को घटना भइल कुछ भइल बाना के ना के को कुछ नहीं चाहिए कुछ। इनके बच्चे को भी मार दिए जो कुछ नहीं, इनके बच्चे हमारे भी बच्चे मार दिए दो 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 तीन महीने पहले। अच्छा भैया ये जो घटना हुआ इस पे इसको देख करके आपको कैसा लग रहा है, कैसे आप सोचते होंगे कि कई घटनाएं आप ही लोग बता रहे हैं, कई घटनाएं हो रहे हैं बारी बारी सभी लोग पीटे जा रहे हैं लेकिन अभी तक किसी का कुछ घटना तो पमन के चाहते नहीं कि साहब पर कार्रवाई होके बढ़िया से कार्रवाई कौन हो नहीं है। अच्छा ये बताइए आप लोग जैसे भैया ने आप लोग रतिया कहाँ भेजते हैं डिजिटल पढ़ने के लिए या कहीं भी कहाँ भेजते हैं, रात में जाना आना हो सकता है आप लोग है ना, बाकी लड़का दिन में काम करते हैं लोग गरीब गरीब हम लोग गरीब हैं सारा दिन में काम करते हैं रात में पढ़ते हैं, पैसा रहेगा तभी ना पढ़ेंगे। तो आप लोग कहीं ना कहीं डरे हैं कि भाई ऐसा होता आ रहा है आज इनके साथ कल उनके साथ ऐसा। आदमी डरते आप लोग का बचत नहीं कर जैसे के उन्हें बाटे मारे वाला उसे तो नहीं अपने बच गया तो बचले ना जाता। अब रतिया को लेके वो जाते रहे तो कौन गुनाह के रतिया काहे के जाते पढ़े जात रहे और का पढ़े जाते हैं पढ़ाई की नस्ते कम जाते क्या करते पढ़ाई खाते ना स्कूल और खोले। अरे भाई लड़का पढ़े जात रहे हो मान तो ये अनर्गल हो रहा है, अनर्गल हो रहा है ना, अनर्गल हो रहा है। एक बार नहीं कई कई घटना हो चुकी है, यहाँ प्रमाण भी बड़ा सा नहीं तो इतना दिन का घटना में छान भी ना हो कार्रवाई ना हो यहाँ चले चले देखें क्या हो तो आप बताएं कहाँ कहाँ तक ले बात फैलल बा, आप कहाँ तक ले बात फैलल बा, कम से कम ये बात को उन्हों लोग के सोचे के चाहिए कि हाँ वास्तव में का सही है का गलत है, हम लोग भी देखें जाकर उसको नहीं देखना चाहिए तो बताइए हम लोग क्या लोगों का भाई शासन प्रशासन पे ही हिम्मत बना रहता है कि हम लोग न्याय मिलेगा शासन से, प्रशासन से हम लोग सुरक्षित रहेंगे लेकिन ऐसा स्वास्थ्य केंद्र में गए रतनपुरा रतनपुरा जुनबा मतलब दवा वा थोड़ा किए उसके बाद में वहाँ पर जुनबा रिफर कर दिया मऊ के लिए, मऊ गया तो मऊ वाले रिफर कर दिए आजमगढ़ के लिए, आजमगढ़ से रिफर कर दिए अथरौलिया के लिए, ये लोग बोले अक्सर आई नहीं है। हमने जुनबा सी साहब से बात किया सर ऐसी ऐसी स्थिति है लड़के का पैर खराब हो जाएगा तो आखिर में क्या करें, वो बताए कैसा है कि भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते इसलिए कि वह डॉक्टरों का मामला है हमारा मामला नहीं है तो ले जाओ प्राइवेट में मत करो। तो सर वहाँ से हम फिर जो 5,000 की गाड़ी करके और यहाँ रिजर्व करके आए मऊ तो दुर्गेश गुप्ता के हॉस्पिटल में ले जा करके उसको एडमिट करवाए, उसमें पराठ पड़ा हुआ है ऑपरेशन हुआ है ऑपरेशन हो गया। अब क्या स्थिति है इस समय, स्थिति कुछ सही है कुछ सही है दोनों हड्डी जो है
एक पतली वाली, एक बड़ी मोटी वाली। जी, एक और बात बताइए, आप लोग प्रधान जी को जिताए होंगे। जी, प्रधान कौन है? प्रधान है रामोजी यादव। उनका क्या आप लोग? रामोजी यादव सुधा यादव है उसकी चाची। उनके चाची हैं। उनका क्या आप लोगों के प्रति संवेदना है, क्या लगाव है, क्या उनका विचार है, आप लोग बताए होंगे? उनका संवेदना यही है, यादव ब्यादी से जुड़े हैं और यादव ब्यादी का ही ये लोग करेंगे, हमारा कुछ सुनेंगे नहीं। मेरा बात हुआ था प्रधान जी से, तो कह रहे थे कि भैया हम तो इनको साथ हैं, इन जो जो पीड़िता हैं उनके साथ हैं, जो भी कहेंगे, हमदर्दी मेरा उनके साथ है, जो भी कहेंगे, जहां कहेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूं। सर, ऐसा है जी, ग्राम सभा के प्रधान है जी, तो यदि ऐसा यदि उनके अंदर है पीड़िता है तो हमने तनपुरा गया जी, तो जब ग्राम सभा के प्रधान तो तनपुरा भी पहुँचना चाहिए, हलधरपुर गया तो हलधरपुर पहुँचना चाहिए, यदि यहाँ भी समय नहीं मिला तो हम तनपुरा जब वापस आए ट्रांसफर होते हुए तो मऊ में, तो मऊ में भी नहीं गए, जबकि हमने घर भी आया। अभी तक आपके घर नहीं, नहीं एक बार आए थे वो, मतलब इमरजेंसी में जिन टाइम हमने लड़के को अभी हेलमेट नहीं किया था उसी टाइम आए थे, जब हम आजमगढ़ जाने वाले थे उसी टाइम आए थे, 10 मिनट बैठे उसके बाद चले गए, जो मतलब हमसे कोई खास बातें हुई नहीं, बोला भाई लड़के सीरियस है, बस इतना बात हुई। अब सरकार से आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग पीछे जाएंगे, ऐसे लोग पीछे जाएंगे, ऐसे लोग जो भी होगा वो करते जाएंगे, तो फिर सरकार और शासन और प्रशासन पे लोग कैसे भरोसा? हम सर सरकार से ही निवेदन करेंगे, सरकार इसका तथ्यों का सही पता लगाए, उनको गिरफ्तार करे और हमें न्याय दे। उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए सर, उन लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो हम लोगों को क्या समझ में आएगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं, और उसका असलियत पता लगाएं चल करके कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, हम लोगों का नाम है बताएंगे, जब तक लोग गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक वो सत्य नहीं निकलेगा। आप लोगों का क्या क्या उम्मीदें जग रही है? उम्मीदें क्या जग रही है? लगभग 24 है और आज 2 तारीख है, अब तक तो कोई उम्मीद नहीं है सर, कैसा कोई प्रशासन सुना नहीं, ऐसा कोई उम्मीद नहीं है अब तक कोई गिरफ्तारी हो सके, प्रशासन और छानबीन हो सके गलत सर, तो प्रशासन सही करे, मगर बहुत ऐसा कांड हुआ है इसमें यादव बिरादरी के ऊपर, सारे होने के बावजूद भी जोनबा पुलिस जोनबा उससे अधिक उसके दरवाजे तक नहीं जाते हैं, चौकी के चौकी पर रह जाएंगे, थाने के थाने पर रह जाएंगे, सीमा बन गया, सीमा बन गया, बन गया। यूँ आप लोग कहने का आप लोगों के मतलब ये है कि भाई बिरादरियों में सीमा बन गई, यही बिरादर होते ही जब तक रहे, यही बिरादर होते ही जब, इसलिए कि कहीं सुनवाई नहीं है, क्योंकि थाना चाहे कहीं भी जाए, इसलिए मजबूर होकर हम तो बहुत जगह मैंने फ़ोन किया, हेल्पलाइन पर भी फ़ोन किया, सर ऐसे ऐसे मामला है, मगर वहाँ पर भी क्या न्याय मिला, बस यही होता है कि नहीं तुम्हारा ऐसा दर्ज कर लिया गया, सूचित कर दिया गया, क्या सूचित हुआ अब तक, हम तो जो कम से कम 20 बार हमने हेल्पलाइन पर बात भी किया है,